बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ, चैप्टर नंबर 7 है और इसका आर्टिकल है ऑर्थोगोनलिटी। तो गाइस ये जो आर्टिकल है इसको बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से किया जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो ऑर्थोगोनलिटी आ गया है कि लेट करें थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर यू एंड वी बिलोंग करते हैं वी से, जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में है। देन कोस थीटा इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ यू एंड द नॉर्म ऑफ वी, वेयर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो भाई बात ये करने वाली है कि कॉस थीटा इसके इक्वल कैसे आ गया। हमने तो पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है यू और वी का जो है वो डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय यू और वी की मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ नॉर्म और वी यू की नॉर्म और यू और वी की नॉर्म और यू और वी के मैग्नीट्यूड में बहुत डिफरेंस है, और यू और वी की जो इनर प्रोडक्ट है उसमें भी और डॉट प्रोडक्ट में भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो कैसे आ गया, अब हम इसको आपको बताते हैं कि ये कैसे इसके इक्वल है। कोचिशेंट वाज इन क्वालिटी जो है वो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिसकी जो स्टेटमेंट ये थी। ठीक है, मतलब कि इनर द मैग्नीट्यूड ऑफ यू एंड वी के इनर प्रोडक्ट की इज लेस देन और इक्वल टू द नॉर्म ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ वी। तो यहाँ से अगर हम नॉर्म ऑफ यू और वी को दोनों साइड से डिवाइड करें तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ से ये जो साइड है ये इक्वल टू वन आ गई है और ये आपके पास आ गई ये फॉर्म, ये वाली फॉर्म। लेकिन आप जानते हैं कि जो रेंज है ऑफ कॉस थीटा इज माइनस वन एंड वन, मतलब कि माइनस वन और वन के दरमियान होती है, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू वन और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, इसकी रेंज होती है ना। तो अगर आपको रेंज की नहीं पता कॉस थीटा में तो आप फर्स्ट ईयर में जाएं, मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 11 है, 11 या 13 है, तो उसमें एक टेबल जो बना हुआ है वहाँ से आप देखें रेंज क्या चीज़ है। यहाँ रेंज या डोमेन का कोई लेक्चर ले लें भाई, तो उससे आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के पहले जो रेंज और डोमेन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, उनकी वो आपको पता होना लाजमी है। तो जो कॉस थीटा है, मतलब कि जो कोसाइन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी जो रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू वन है और बट ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन है। ठीक है, ये तो बात हुई अभी तक सिर्फ कॉस थीटा के रेंज की, लेकिन ये जो चीज़ है मतलब कि इसको आप इस तरीके से, यहाँ से ये मैंने एज इट इज लिखा, और अगर ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है आपको पता है इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड के बगैर लिखें तो। और अब ये जो चीज़ है ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन और इक्वल टू वन है, तो लिहाजा ये कॉस थीटा के इक्वल हो सकती है। अगर आप इन दोनों को लें और इनको इक्वेट करें, इसको और इसको, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्वल टू है कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म आई है। तो इसीलिए बुक पे भी पहले कोचिशेंट वाज इनइक्वालिटी को शो किया गया है और वहाँ पे ये बताया गया। अब हमें ये प्रूव हो गया कि ये कोसाइन फंक्शन है वो इस फॉर्म के इक्वल होता है। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दिस फॉर्म इज इक्वल टू दिस कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, ये जो फॉर्म है ये इम्प्लाइज करती है दिस फॉर्म। तो लेकिन इस फॉर्म से हम कहेंगे कि यू और वी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि 90 डिग्री के एंगल पे हैं, इफ एंड ओनली इफ यू एंड वी का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज यू, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, यू है परपेंडिकुलर टू वी, रीड यू इज ऑर्थोगोनल टू वी। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक चीज है। नेक्स्ट नोट है, इफ यू इज परपेंडिकुलर टू वी, ये इंप्लाइज करेगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू जीरो,
हम यहाँ पे से प्रूव कर चुके हैं ना कि यू कब परपेंडिकुलर होगा वी के, इफ एंड ओनली इफ यू एंड वी का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। इफ एंड वी का इनर प्रोडक्ट वी इज परपेंडिकुलर टू यू या वी इज ऑर्थोगोनल टू यू इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करेगा वी और यू का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। हेंस रिलेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑर्थोगोनैलिटी इज सिमेट्रिक। द वेक्टर जीरो इज ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर वी बिलोंग करता है वी से, सिंस इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो और वी इज इक्वल टू दिस। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमारी जो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वहाँ का जो थर्ड एक्सियम है उसका इनर प्रोडक्ट का, उससे आप ये फॉर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट नॉट थ्री है, इफ़ यू इज ऑर्थोगोनल टू इट्स सेल्फ देन यू इज इक्वल टू जीरो। यू और यू का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। मतलब कि अगर यू अपने आप का ऑर्थोगोनल है तो यू को जीरो होना लाजमी है, अदरवाइज तो इनर प्रोडक्ट जीरो हो नहीं सकता। और ऑर्थोगोनल की कंडीशन के लिए लाजमी है कि वो और इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो। देन नॉर्म ऑफ यू के स्केयर इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज करता है नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज करता है यू इज इक्वल टू जीरो। तो जरा अगेन देखें कि अगर यू इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ देन यू इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने प्रूव करना है क्योंकि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड अगर ये ऑर्थोगोनल है, मतलब कि हमने प्रूव करना है कि यू अगर ऑर्थोगोनल है तो फिर यू इज इक्वल टू जीरो है। तो अगर यू ऑर्थोगोनल है तो फिर ये वाली कंडीशन होगी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ये वाली हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, ये इम्प्लाइज करेगी ये और ये इम्प्लाइज करेगा ये। मतलब कि किसी भी नॉर्म और नॉर्म का मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ ऑफ यू कब जीरो हो सकती है जब यू यू खुद जीरो हो। तो एग्जांपल सेवन है, ये सिंपल ये चो दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई बाई एक्स और वाई बिलोंग करता है थ्री डायमेंशनल स्पेस से और एक्स इज इक्वल टू दिस और वाई इज इक्वल टू दिस और इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे। अगर इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ गया तो तब ये एक्स और वाई जो है परपेंडिकुलर है। तो ये देखें ये यूक्लिडियन जो इनर प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ चुकी है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल एट एफ यूज ऑर्थोगोनल टू वी देन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू इज ऑर्थोगोनल टू वी। तो लेट कर लें कि स्केलर जो है वो के है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है यू से, इज अ मल्टीपल ऑफ यू। नेक्स्ट सोल्यूशन एफ यू इज परपेंडिकुलर टू वी इम्प्लाइज करता है यू और वी का इनर प्रोडक्ट है जो है वो जीरो के इक्वल है। देन मल्टीपल जो स्केलर मल्टीपल है ऑफ यू ये इस तरीके से हम लिखेंगे और बाय कंडीशन थ्री ऑफ द इनर प्रोडक्ट हम इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इनर प्रोडक्ट क्योंकि इज इक्वल टू जीरो है तो ये भी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि अगर यू और वी जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं और फिर अगर इसका कोई स्केलर मल्टीपल भी कर दिया गया है तो वो भी ऑर्थोगोनल ही होगा। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल नाइन अभी हम नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है एक्सरसाइज 7.1 का, इसमें हमें तीन वेक्टर दिए हुए हैं। लेट किया गया यू वन इज इक्वल टू दिस वेक्टर और कॉलम वेक्टर, यू टू इज इक्वल टू दिस कॉलम वेक्टर, यू थ्री इज इक्वल टू दिस कॉलम वेक्टर यूजिंग एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू है आपके पास ये वाली, ये है एग्जाम्पल टू। उन्होंने इसको यूज करते हुए फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कॉलम वेक्टर, द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर, अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू यू वन एंड यू टू, अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू यू वन एंड यू थ्री। मतलब कि यूजिंग एग्जाम्पल टू। अब हमें मतलब कि इनर प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया वो हमने यहाँ से लेना। तो इनर प्रोडक्ट यू वन और यू टू के दरमियान इस तरीके से होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी वन का ट्रांसवर्स और सी टू का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसको यूज करते हुए हमने करना है। तो ये देखें सोल्यूशन में बताया गया है कि दैट इज यू यू वन और यू टू का इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ यू वन का ट्रांसपोज और यू टू, द इनर प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ अबव कॉलम वेक्टर। फर्स्ट जो है इसको करते हैं
तो इनर प्रोडक्ट वेक्टर लेना है ईच पेयर ऑफ अबव कॉलम वेक्टर, मतलब कि हर एक का पेयर बना के हमने इनर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वन और यू टू, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वन और यू थ्री, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू टू और यू थ्री। ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ यू वन का ट्रांसपोज इंटू यू टू, डिटर्मिनेंट ऑफ यू वन का ट्रांसपोज इंटू यू थ्री, डिटर्मिनेंट ऑफ यू टू का ट्रांसपोज इंटू यू थ्री। तो यहाँ पे यू वन का ट्रांसपोज और यू टू है, यहाँ पे यू वन का ट्रांसपोज और यू थ्री है, यहाँ पे यू टू का ट्रांसपोज और यू थ्री है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है इनका मल्टीप्लिकेशन की गई है और इसका डिटर्मिनेंट लिया गया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट का है वो इज इक्वल टू 6 है, और जो सेकंड है वो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, और सेकंड जो है इसका ये इज इक्वल टू -3 है। अब हमने ये याद रखिएगा, ये हमने इनर प्रोडक्ट ईच पेयर का लेना था, बल्कि इनर प्रोडक्ट इसको ये नहीं प्रूव करना था कि ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया ईच पेयर का। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड है द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर, हमने नॉर्म लेना है ईच वेक्टर का। तो यू वन का नॉर्म, यू टू का नॉर्म और यू थ्री का नॉर्म, और नॉर्म आपको पता है किस तरीके से डिफाइन होता है, तो ये एज अ पीडीएफ आप देख लें। थर्ड वाला है, सपोज किया कि u इज इक्वल टू दिस विद कोऑर्डिनेट x और y और z, बी अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। तो अगर ये जो वेक्टर है अगर ये ऑर्थोगोनल है u1 और u2 का, तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होगा। तो ये जो इनर प्रोडक्ट जिसके इक्वल है वो भी फिर जीरो के इक्वल होगा, ये चीज ठीक है। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ u का ट्रांसपोज और u1 और डिटर्मिनेंट ऑफ u का ट्रांसपोज और u2 ये भी इक्वल टू जीरो होगा। तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, U का ट्रांसपोज इसके इक्वल है और जो U1 है वो इस चीज के इक्वल है। तो यहाँ से x प्लस टू वाई प्लस जी इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसका यही है x प्लस टू वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, और ये जो क्वेश्चन वन और ये क्वेश्चन जो टू है इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्स वाई और जी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो इसको हमने सॉल्व किया है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मैं पीछे भी सिखा चुकी हूँ तो इसमें भी अगेन बता देती हूँ। इसमें पहले आपने क्या करना है, वाई के जो कोफिशेंट्स हैं टू और वन वो यहाँ पर लिखने हैं, फिर ये जी के कोफिशेंट वन और टू ये यहाँ लिखने हैं, फिर x के जो कोफिशियंट है 1 और 2 ये यहाँ लिखने हैं, फिर अगेन जो y के कोफिशियंट है वो यहाँ लिखने हैं। x इज इक्वल टू, ये आपने यहाँ पे जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, आपको नेक्स्ट बताएं। मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट ये जो दो 2 और 1 और 1 और 2 का डिटर्मिनेंट x से डिवाइड करवा दें, और y से ये 1 और 2 और 1 और 2 इसके नीचे इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड करना, इसके बाद z के नीचे ये 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 और 1 ये ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड करना है इज इक्वल टू के। अब जब x इज इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्म आएगी, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 के, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 3 के। तो लिहाजा ये u है वो इज इक्वल टू 3 के, 0 और माइनस 3 के है, और k को हम कॉमन ले सकते हैं, 3 के को सॉरी कॉमन ले सकते हैं, तो वहाँ से आ जाएगा 1, 0 और माइनस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जो ऑर्थोगोनल है u1 और u2 के। इसी तरीके से जो फोर्थ वाला पार्ट है, लेट u करें दिस एक वेक्टर है बी ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u3, ठीक है। तो वहाँ से हमारी ये फॉर्म आ जाएगी सारा कैलकुलेशन करके, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन नहीं की गई, तो यहाँ से x और y और z की वैल्यूज ये लिख रहेगी। तो ये हमारा जो वेक्टर है ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u3 फाइंड होगा।